नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिल्मी ज्ञान एपिसोड में। तो आज हमारे साथ हैं फिल्म गुरु बिपिन सर। तो आज सर से कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइटिंग द शो। दोस्तों मैं गुरु बिपिन कुमार आपका स्वागत करता हूँ सक्सेस फिल्म एकेडमी में। दोस्तों कोई नहीं ऐसा सक्सेस जैसा। दोस्तों डे बाय डे आप लोग का इतना स्नेह मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है। मैं गुरु बिपिन कुमार हृदय के गहरे से आपका स्वागत करता हूँ। चलिए शुभारंभ करते हैं शो का। यस, पूछिए आज का सवाल क्या लेके आप आई हैं फिल्म ज्ञान एपिसोड में। आज का जो मेरा सवाल है जी, ये है कि जब हम ऑडिशन बनाते हैं किसी कास्टिंग को भेजने के लिए, तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, इसमें मैं थोड़ा सा और एड ऑन कर देता हूँ। वीडियो जब आप बनाते वो बात तो सही है, लेकिन जब आप वहाँ जाते भी हो ऑडिशन देने, उस टाइम पे भी आपके डूज एंड डोंट्स क्या होने। चलिए दोस्तों शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले इनके सवाल का जवाब देते हैं कि ऑडिशन जब आप बनाते हैं तो किन बात को ध्यान रखें। से फॉर एग्जांपल आपके पास एक आपके पास एक मैसेज आया कि बॉस उसमें आपको एक न्यूली मैरिड वाइफ का रोल प्ले करना है, राइट? तो आपको इस बात को सोसाइटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि न्यूली मैरिड वाइफ दिखती कैसे। जाहिर सी बात, उसके हाथ में चूड़ा होना चाहिए, थोड़ा सिंदूर होना चाहिए या साड़ी में होना चाहिए, राइट? कुछ हाईली मेकअप होना चाहिए, राइट? तो उस तरह का वीडियो अगर आप बना के भेजेंगे ना, तो उससे क्या होगा, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा सामने वाले, राइट? लुक्स मैटर, राइट? पॉइंट नंबर वन लुक्स मैटर, राइट? दूसरा, अगर आप ऑडिशन देने जा रहे हो तो जाने से पहले ना, देखो बॉस, आप रैंडम ऑडिशन देने जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, राइट? मैं यहाँ पे ये बिलीव करता हूँ कि सबसे पहले इंक्वायरी कर ले कि क्या आपके एज ग्रुप का है ऑडिशन, जहाँ पे आप जा रहे हो क्या वो लोग वैलिड लोग हैं कि इनवैलिड लोग हैं, किस तरीके फेक लोग तो नहीं है, क्या आपको रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे तो नहीं मांग रहे, पोर्टफोलियो के नाम पे पैसे तो नहीं मांग रहे, आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे पैसे तो नहीं मांग रहे। उससे क्या होगा, आप जाओगे और फिर वहाँ से हैरान होकर आ जाओगे। तो इन सारी चीज़ों को बच के रहना है, कास्टिंग काउच के भी चक्कर में नहीं पड़ना है, राइट? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रख के ही ऑडिशन देने जाना है, राइट? ये तो हो गई डोंट्स की, मतलब इन चीज़ों को परहेज करना है। अभी डूज क्या हो सकता है? डूज ऐसा है कि बॉस सबसे पहले आप देखेंगे क्या आपके एज ग्रुप का है ऑडिशन, राइट? वहाँ पे जाके आप ऐसा ना करें कि ज़्यादा पर्सनल होने की कोशिश ना करें कि बॉस मुझे काम दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रोफेशनल बिहेव करना चाहिए एंड वहाँ पे आप हो सके तो आप अपने दो तीन अलग अलग कॉस्ट्यूम भी कैरी करें अगर पॉसिबल है तो, राइट? कुछ टी शर्ट हो गए, कुछ अलग से, अगर आपके ऊपर कुछ हाईली जो आप इसको दिखा सकते हो कि बॉस मेरा एक्ट है, ऐसा कुछ वीडियो भी साथ में लेके जाओ ताकि आप ऑन द गो अगर कुछ बोलें कि आपके पास कुछ दिखाने के लिए है तो आप दिखा भी सको, राइट? उसके अलावा आप कोई लिंक अपना बना के रखो, यूट्यूब लिंक बना के रखो जिसमें आप अलग अलग एक्ट को परफॉर्म किया आपने, राइट? एक दो शॉर्ट फिल्म जो सोलो शॉर्ट फिल्में हैं, लाइक 3 से 4 मिनट का अपना शॉर्ट फिल्म बना के रखो। अगर कोई बोले कि आपका एक्ट दिखाओ, राइट? तो उसमें एक्ट आप दिखा सकते हो अलग अलग कलाकारों के साथ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बुनियादी तौर पे ध्यान रखनी पड़ती हैं। अगर डिटेल ट्रेनिंग अगर आप ऑडिशन की चाहते हो, डिटेल ट्रेनिंग अगर कैमरा एक्टिंग की चाहते हो, वेलकम टू मुंबई एंड वेलकम टू सक्सेस फिल्म एकेडमी। और कुछ ऐड करना चाहते हैं आप इसमें? थैंक यू सो मच सर, आपने बताया कि ऑडिशन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। जी, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं जो सर ने बताया। राइट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।